वेलकम दोस्तों, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की टैक्स ऑडिट के पर्पस से फाइनल कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भी इसकी शुरुआत कहाँ से करें। और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर हमें कमेंट में मिलते रहते हैं कि सर मैं फ्रेशर अकाउंटेंट हूँ, मैं पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रीपेयर करूँ कैसे, कौन कौन सा डाटा मैं मिलान करूँ। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो आप ऑलमोस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिना हेडेक के अच्छी तरीके से प्रीपेयर कर लोगे। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रीपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो न करने के बजाय, स्टेप बाय स्टेप डाटा को मिलान न करने के बजाय, वो बीच बीच में से डाटा को मिलान करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डाटा है वो प्रॉपर सही तरीके से मिलान भी नहीं होता और वो दिमाग में उनका हेडेक भी बना रहता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कई बार हमारा डाटा मिस्टेक तो होती है 2022-23 की, ढूंढ रहे हैं अपने उसको 2023-24 में, तो वो गलती आप लोगों को किस तरीके से पकड़नी होगी। बस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, भी जो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको 2023-24 की बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है और पूरी डिटेल के साथ ओपन कर लेना है। और आपको एक बार यहाँ पर पीरियड एक बार जरूर दे देना है, 1/4/23 से लेके 31/3/2024 तक का, ताकि आपका कोई भी डाटा मिस ना हो। अब इसके अंदर सबसे पहला काम आपको ये चीज देखनी है भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का, चाहे वो लाइबिलिटी साइड हो चाहे वो एसेट साइड हो, किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं आनी चाहिए ओपनिंग बैलेंस को लेके। ठीक है, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल सही तरीके से चढ़े होने चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, क्योंकि अब अपने ऑडिट कौन सी करवा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। तो इससे पहला जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का, तो आपको क्या करना है, 2022-23 के जो बैलेंस शीट आपके पास में है उसको अपने पास जरूर रखना है। ठीक है, उस 2022-23 का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था बैलेंस शीट के अंदर, उनको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है भी 23-24 के अंदर उनका, चाहे वो सेंड्री क्रेडिटर का हो, चाहे वो कैपिटल बैलेंस हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो कैश का बैलेंस हो, चाहे वो स्टॉक का बैलेंस हो, चाहे वो किसी भी फिक्स्ड एसेट का बैलेंस हो, वो सारे के सारे बैलेंस 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर सही तरीके से आपने उतार दिए या नहीं उतार दिए। ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं है भी आपका कोई मतलब ओपनिंग बैलेंस आए, मान लीजिए आपने फ्री फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई दोनों साइड के अंदर कोई 100-100 रुपए की गलती कर दी, तो डिफरेंस तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन प्रॉपर डाटा आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आया ही नहीं होगा। तो अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी आएगी, मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आपने इसी ईयर के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और आपकी ये फर्स्ट टाइम ही टैक्स ऑडिट है, इससे पहले आपके 22-23 के अंदर कोई टैक्स ऑडिट आपने करवाई नहीं, तो आपके पास बैलेंस शीट कहाँ से आएगी। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट बिजनेस नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो कंपनी का जो कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जो प्रोपराइटर है, इसने अपनी पर्सनल ITR जरूर फाइल करी होगी। पर्सनल ITR फाइल करी होगी तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट भी बनी होगी। अब बैलेंस शीट भी नहीं बनी होगी, मान लीजिए 44AD के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा होगा, तो आपको 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट्स को फाइनल करने से पहले 22-23 की आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ये जरूरी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब 22-23 की ऑडिट बैलेंस शीट बनेगी कैसे, जबकि बिजनेस भी नहीं था 22-23 के अंदर, तो आपके पास में क्या होगा भी बैंक अकाउंट जरूर होगा, सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ FDR भी हो सकता है उनके पास में कोई फिक्स्ड असेट भी हो, जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट के पास में जो प्रोपराइटर है कार हो बाइक हो कुछ भी हो, एसेट भी जरूर हो सकती है। हो सकता है एसेट ना हो FDR ना हो, लेकिन अगर उसने ITR फाइल करी है तो बैंक अकाउंट तो जरूर होगा, क्योंकि वो बगैर बैंक अकाउंट के ITR फाइल नहीं होती है। तो अब बैंक अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस होगा तो आपको कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटल का भी बैलेंस आपको 23-24 के ओपनिंग के अंदर उठाना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक का जो बैलेंस था सेविंग अकाउंट का वो भी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अगर आपने बैंक का बैलेंस नहीं उठाया तो आप 31 मार्च 2024 का जो सेविंग का जो बैलेंस है वो आपका
एज पर बैंक के साथ में और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टैली नहीं हो पाएगा। आपको 31 मार्च 2024 का अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस मैच करना है तो आपको उसका ओपनिंग बैलेंस डालना ही पड़ेगा बैंक अकाउंट के लेजर के अंदर। तो अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर लेजर में ओपनिंग डाल दिया तो आपका डिफरेंस इन बैलेंस शीट भी बोलेगा। किस तरीके से बोलेगा आप लोगों को मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में बैंक अकाउंट है, ठीक है, और ये बैंक अकाउंट मान लीजिए मेरे करंट अकाउंट है और मैंने इसी साल मैंने मतलब ओपन करवाए हैं, तो ये मेरा ओपनिंग नहीं आएगा। मान लीजिए ये मेरा सेविंग अकाउंट होता, ठीक है, सेविंग अकाउंट होता तो मैं क्या करता कि जब मैंने लेजर क्रिएट यहाँ पे किया था, मान लीजिए मेरा 5,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये इसको डेबिट डालूंगा, एंट्री कर दी। अब मेरा बैंक बैलेंस तो क्या हो जाएगा, टेली हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बैलेंस शीट को देखूंगा तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ इस तरीके को मेरे को वहाँ पर एरर मिलेगी, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस को लेके। अब आपका ये डेबिट साइड तो आपने 5,000 रुपये डाल दिया, लेकिन अब ये 5,000 रुपये आपको कहीं क्रेडिट साइड के अंदर भी तो ओपनिंग डालना पड़ेगा। अब वो ओपनिंग कहाँ डलेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है भी आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर इसका ओपनिंग बैलेंस है जो डालना पड़ेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, ओपनिंग बैलेंस आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भी आएगा, क्योंकि गलती यही मैं कह रहा था कि गलती आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हो सकती है, ढूंढ आप उसको 2023-24 में रहोगे, तो वो 23-24 की गलती नहीं है बल्कि वो 2022-23 की गलती की वजह से हमारा 2023-24 का डाटा है जो प्रॉपर मिलान नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही आपने इसका डेबिट साइड अगर आपने ओपनिंग डाल दिया तो आपको क्रेडिट भी डालना पड़ेगा, तो जैसे ही आपने क्रेडिट डालेंगे तो आपका ओपनिंग जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का जो एरर है वो जीरो हो जाएगा। मैंने जैसे इसको जीरो कर दिया, ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का कोई एरर नहीं आ रहा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखनी है भी आपको जो ओपनिंग बैलेंस है बैंक के तो आपको डालने ही पड़ेंगे, तभी आपका 31 मार्च 2024 का डाटा सही तरीके से मिलान होगा। अब उसके बाद मान लीजिए आपने ओपनिंग बैलेंस सही तरीके से मेंशन कर दिए, ओपनिंग आपने बैलेंस शीट है जो सही तरीके से यहाँ पे उतार दी। अब उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, 23-24 के अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपको आपकी जितने भी बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से लेके करंट अकाउंट से लेके, ठीक है, या फिर आपका कोई भी सीसी या कोई ओडी लोन वगैरह जो चल रहा होगा, वो सभी जितने भी अकाउंट हैं सब अकाउंट्स के आपको बैंक बैलेंस आपको जरूर टैली करनी होगी। एज पर बैंक का बैलेंस 31 मार्च 2024 का और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का 31 मार्च का बैलेंस शीट, वो दोनों मिलान होने चाहिए। अगर ये दोनों आपने मिलान कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा भी आपके बैंक के अंदर बैंक चार्ज भी लगा होगा तो उसकी भी एंट्री आएगी, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर आपने कोई लिमिट ले रखी है, लोन ले रखा है, तो आपका बैंक का इंटरेस्ट भी लगा होगा, बैंक का इंटरेस्ट लगेगा तो ये बैंक का इंटरेस्ट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जहाँ से आपका नेट प्रॉफिट है वो कम होता रहेगा। उसके बाद अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या आपकी कोई FDR है तो उसका आपको इंटरेस्ट मिला भी होगा। अब ये इंटरेस्ट मिला है तो ये आपका कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज करता रहेगा। उसके बाद में बैंक से आपने मान लीजिए जो भी आपके सप्लायर हैं जिसको आपने सैंडरी क्रेडिट के बैलेंस में उतारा होगा या ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्लोज भी हो चुके होंगे, तो आपने जितनी भी उनको पेमेंटें करी है वो पेमेंट सारी के सारी क्लियर हो जाएंगी भी आपने इस पार्टी को आपने पेमेंट कर दी है। क्योंकि जब आप उस पार्टी का उस सप्लायर का जब आप लेजर मैच करोगे तो उसका आपकी बुक्स का डेबिट साइड का बैलेंस और सप्लायर का क्रेडिट साइड का बैलेंस वो बिल्कुल ओके होता रहेगा। कौन सा, जो जो पेमेंटें आपने बैंकिंग चैनल से करी है वो पेमेंटें आपकी क्लियर होती जाएगी साथ के साथ। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश पेमेंट भी करी होगी तो कैश पेमेंट आप क्या करोगे, जो सप्लायर का स्टेटमेंट आपके पास में आएगा उसके अंदर जो सप्लायर ने आपका क्रेडिट साइड के अंदर जो एंट्री कर रखी होगी वो एंट्री आपको आपकी डेबिट साइड के अंदर आपको कर देनी है। वैसे तो आप कैश दिए हैं, पहले आपका काम ये बनेंगे भी आप डेबिट करोगे, आपका जो सप्लायर है वो बाद में क्रेडिट करेगा आपसे पेमेंट लेने के बाद में। तो इससे क्या होगा भी कैश पेमेंट भी आपके साथ के साथ क्लियर हो रही है और जो बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो पेमेंट करी है वो भी क्लियर हो रही है, तो आपका जो सप्लायर का डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो साथ के साथ भी टेली हो रहा है। इसी तरीके से सैंडी डेबिटर भी आपके कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से पेमेंट करी होगी, तो उससे क्या होगा भी आपका जो आपके बुक्स के अंदर आपके कस्टमर का जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो भी मैच हो रहा है,
ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो जो आपकी पेमेंट बैंक के थ्रू आई है तो आपने एंट्री भी करी होगी, आपके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में आपने जमा भी करी होगी, तो बैंकिंग चैनल वाली क्रेडिट हो रही है, और उसके साथ साथ कस्टमर ने जो कैश पेमेंट करी है वो भी आपकी क्रेडिट साइड के अंदर उसकी हो जाएगी, क्योंकि अब कैश की एंट्री ऐसी है जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर करनी पड़ेगी अपने लेवल पे। और बैंकिंग चैनल की एंट्री एक ऐसी होती है वो आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते, वो एंट्री आपके बैंक के अंदर होनी चाहिए तो ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्योंकि कैश की एंट्री मान लीजिए आपने कर दी, ठीक है, आप इसके हाथ में आप इसकी एंट्री कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका कस्टमर को आपने 2055 रुपये का सामान सेल किया, ठीक है, कस्टमर ने आपको 2050 रुपये का कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब ये 2050 रुपये का कैश पेमेंट करेगा तो ये 5 रुपये का जो बैलेंस है, ठीक है, ये उसके डेबिट साइड के अंदर बोलता रहेगा जब तक इसकी पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती। अब आप सोचो यार ये 5 रुपये आने तो है नहीं, आपने क्या किया इसी को ही 2055 रुपये कर दिए, 5 रुपये और बढ़ा दिए, तो आपके कस्टमर का अकाउंट है जो नील हो गया, क्योंकि अब ये तो आपके हाथ में है 2050 कर दो, 55 कर दो 5 रुपये को क्लोज करने के लिए। लेकिन मान लीजिए ये 2050 रुपये की एंट्री बैंकिंग चैनल के माध्यम से आई होती तो आप इसको 2055 नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे आप 2055 करोगे तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो हिल जाएगा, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी भी इस 5 रुपये का जो बैलेंस है चाहे तो आप इसको कोई डिस्काउंट के अंदर, चाहे आप इसकी कोई कैश रिसिप्ट दिखा के इसको क्लोज आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंकिंग चैनल के माध्यम से आपको ट्रांजेक्शन मिलाने करने का यही फायदा मिलेगा कि आपकी कोई भी गलती है वो रहने की संभावना जीरो हो जाती है सेंडरी क्रेडिटर के और सेंडरी डेबिटर के बैलेंस के अंदर। तो बैंक मिलान करने से आपका बैंक का बैलेंस टैली हो रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इंटरेस्ट का और बैंक चार्ज का वो आपके बिल्कुल मिलान हो रहे हैं। अब रही बात सेंडरी क्रेडिटर के क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड तो आपने पेमेंट कर दी वो बिल्कुल मैच होगी, तो आप डेबिट साइड जो उसका क्रेडिट साइड है उसको मिलान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करी है तो आपको 2B GSTR 2B और 2A वो आपको क्या करना है, एक बार जो भी आपका CA लोग होंगे जहाँ पर आपने रिटर्न फाइल करवाई होगी वहाँ से 2B को आप जरूर एक बार डाउनलोड करवा लीजिए, और जो भी 2B के अंदर जितने भी आपके सप्लायर्स हैं जितने भी आपकी इनवॉइस आई है उस इनवॉइस को आप अपने एक बार 2B के साथ जरूर मिलान कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी 2B के अंदर आ रहा है लेकिन आपकी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री करना आप भूल गए, तो इससे क्या हो जाएगा भी आपकी एंट्री जो है जैसे आप एंट्री करोगे 2B को देख के तो एक तो आपकी परचेज सही हो रही है, दूसरा आपका सप्लायर का जो लेजर है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और इसके साथ साथ जो GST का जो बैलेंस है SGST का है चाहे वो CGST का है चाहे वो IGST का है वो भी बैलेंस आपका साथ के साथ है सही तरीके से प्रिपेयर हो रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि एक एंट्री आपके कई रिपोर्ट्स के ऊपर जाके इफेक्ट डालेगी। तो आपको डेबिट बैलेंस आपको बैंक से मिल जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड आपको 2B के साथ भी मिलान हो जाएगी। भी हो सकता है आपकी कोई एग्जाम परचेज हो टैक्स फ्री की परचेज हो वो 2B के अंदर ना आ रही हो, ठीक है, तो वो आपको क्या करना होगा जो आपके पार्टी है जो आपके सप्लायर है उनसे आप अकाउंट की स्टेटमेंट की डिमांड करोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा भी आपके कुछ ऐसे इनवॉइस है जो मिस हो गए होंगे या कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट है वो आपको स्टेटमेंट से प्रॉपर सही तरीके से पता चलेंगे। तो आपका क्रेडिटर साइड का बैलेंस और जो सेंडरी डेबिटर है उनका बैलेंस आपके बैंक मिलान होने के साथ साथ ऑलमोस्ट वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर बैंक बैलेंस मिल गया, उसके बाद क्रेडिटर भी आपका मैच हो रहा है, परचेज की एंट्री आपने कर दी तो जीएसटी की एंट्री भी आपकी मैच हो रही है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपको आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिख जाएगा यहीं पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको क्या चीज़ में ध्यान रखनी है भी, आपने परचेज सेल तो आपकी क्रेडिटर से और सेल आपके डेबिटर से भी मैच हो जाएगी। अब रही बात डायरेक्ट इनकम की या डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, भी आपने कुछ ऐसे लेजर क्रिएट किए होंगे इनकम और एक्सपेंसेस के लिए, अगर आपने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है तो वो एंट्री आपकी यहाँ पर इस परचेज के साइड में दिखना चाहिए जिससे कि आपका ग्रोस प्रॉफिट कम होगा, अगर आपने कोई डायरेक्ट इनकम की कोई एंट्री करी है तो वो आपको सेल हेड के नीचे दिखेगी जिससे कि आपका ग्रोस प्रॉफिट है वो बढ़ेगा।
लेकिन आपने एंट्री तो कर दी, उसका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस उसके ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना तो बढ़ रहा ना घट रहा। तो आपको ये डाटा जरूर चेक कर लेना है भी जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसका ग्रुप आपने कोई और तो नहीं दे दिया हो, ठीक है। भी आपको एंट्री तो करनी थी भी ग्रोस प्रॉफिट को कम करने के लिए, हो सकता है आपने उसकी एंट्री ग्रुप है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया हो, तो उससे क्या होगा भी ग्रोस प्रॉफिट तो आपका नहीं घटेगा लेकिन नेट प्रॉफिट आपका घट रहा है। नेट प्रॉफिट तो आपका यहाँ पे भी घटेगा अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री कर दी, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्यों वहाँ से आपका जीपी घट जाएगा, जीपी घटेगा तो एनपी आपका उतना ही रहना है, और जीपी बढ़ गया तो यहाँ पर आपका एनपी उतना का उतना ही रहना है। लेकिन अगर आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट को कम या ज़्यादा करने के पर्पज से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा रहे हो, तो उसका ग्रुप आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। या आपको मान लीजिए न तो वो पी एंड एल में दिखाई दे रही है एंट्री और नहीं आपको वो ट्रेडिंग में दिखाई दे रही है, तो फिर आपको चेक करना है भी वो एंट्री आपके कहाँ गई होगी, या तो वो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में गई होगी, या आपने वो उसका कोई ग्रुप करंट एसेट कर दिया होगा या करंट लाइबिलिटी कर दिया होगा गलती से, तो वो एंट्री आपको बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाएगी अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है तो एंट्री जरूर आपको दिखेगी, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखे चाहे आपको वो ट्रेडिंग पी एंड एल में दिखे, एंट्री कर दी तो जरूर दिखेगी। ट्रेडिंग पी एंड एल के अंदर नहीं दिखाई दे रही है तो फाइनल ऑप्शन बचता है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट के अंदर आपको वो जरूर दिखाई देगी। तो आपको जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बैलेंस शीट के साथ में। 23 जो है तो आपको बाद में संभालना है, 22-23 का डाटा आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है, कैपिटल बैलेंस और बैंक बैलेंस। अगर आपके प्रोपराइटर के पास में कोई एसेट भी है तो एसेट की भी आपके कार की भी एंट्री आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर साथ लेके चलनी पड़ेगी। जितना आपका एसेट साइड यानी कि अपने कह सकते हैं डेबिट साइड का जितना आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा उतना बराबर के अंदर आपका कैपिटल का बैलेंस है जो बढ़ता जाएगा। अब एसेट साइड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी आपका, एक तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कोई एसेट आ जाएगी या कोई एफडीआर वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी। जितना डेबिट साइड बढ़ेगा उतना उतना साइड आपका कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। जबकि आप अगर आपकी लास्ट ईयर 22-23 की कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो आपको इस तरीके की एंट्री करनी है। आई होप कि ये जो टिप्स थे अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी ऑलमोस्ट जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो, बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, वो सही तरीके से बनेगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।